आ जाइए। पिछली क्लास में आओ की मात्रा करी थी, आप जल्दी से आओ का ये वाला पाठ पढ़िए। जाड़े चांदी अच्छा। अब आप दोनों चुप रहेंगे, जरा उनको पढ़ने दीजिए। आप भी पढ़ेंगे पर आप जल्दी पढ़ लेते हैं तो वो लोग कोशिश नहीं करते ना, इसलिए उनको कोशिश करने दीजिए। चलिए वो टेबल पढ़िए जोर से। फूल अच्छा एक बात बताओ, उन फूलों में क्या खुशबू आ रही है? उन फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो ऐसे सूंघ रही है जैसे वो गुलाब सूंघ रही है। पढ़ो, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा पढ़ो। आप सीमा नहीं हो ना? अच्छा इसका क्या नाम है? अंशु। बड़ौदा आज गौरी। अब आप नहीं, वो पढ़ेगी टेबल, वो टेबल नहीं पढ़ रही, पढ़ो। नहीं अब आप नहीं, उनको पढ़ने दो। आज गौरी ने, आप नहीं, क्या नाम है आपका? के लिए पढ़िए। आप ये टेबल पढ़ेगी, आप पढ़ो। आप नहीं, काओ काओ चल। नौकर अच्छा। अब सबके लिए आप जो जो चीजें पहनते हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें औ की मात्रा लगती है? आप सोच के बोलिएगा, कोई ऐसी चीज का नाम बताओ जो आप पहनते हैं और उसमें औ की मात्रा लगती है। अंगूठी। अंगूठी में औ की मात्रा लगती है? औंगी थी। सोच के बोलिए क्या चीज आप आओ की मात्रा। आओ साड़ी कहाँ लगी? आप सोच के देखिए कि आओ की मात्रा लगी है उसमें। शाबाश, किसने बोला? ताली बजाओ उसके लिए। आपने बोला साड़ी। साड़ी क्या हम ऐसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम साड़ी, ऐसे लिखते हैं, उसमें तो ये मात्रा होती ही नहीं है। आपने बोला फ्रॉक, फ्रॉक तो हम ऐसे लिखते हैं, इसमें औ की मात्रा है नहीं है। आपने बोला ड्रेस, ड्रेस हम ऐसे लिखते हैं, इसमें। आपने बोला अंगूठी, अंगूठी हम ऐसे लिखते हैं, कहाँ है औ की मात्रा? है क्या है? जूते भी। अरे जूते बोलते हैं क्या हम उनको? के जूते बोलते हैं ज, और हम क्या ऐसे लिखते हैं जूते?
आप ऐसे लिखते हो जूते 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 में कौन सी मात्रा लगती है? जा में कौन सी मात्रा लगेगी? औरत की मात्रा ये लगी औरत। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। तो फिर हम ये ऐसे लगाएं। फिर सही है ये मात्रा है? ये जूते ऐसे आप ऐसे बोलते हो जूते लाओ। कौन सी मात्रा लगे? बड़े ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा हो गया। हाँ जूते और मोजे समझ आया? अच्छा अब हमने वर्णमाला कहाँ तक करी? अ आ ई ई और बात क्या आएगा? अंग आया। अब अंग की मात्रा कैसे लगाएंगे? इसमें आपको खाली बिंदी लगानी है ऊपर, एक बिंदी लगेगी बस। जैसे हमने बिंदी लगाई है ऐसे एक बिंदी लगेगी। अब जैसे ये क्या है? झंडा। में क्या लगा? झ। ये आपका झ बिंदी और दा क्या बन गया? झंडा। अब देखो जब अंक की मात्रा लगती है तो उसमें न की आवाज आती है झंडा, पर हम न तो नहीं लिख रहे, हम इसको ऐसे तो नहीं लिखते झ न दा, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं हम नहीं। न की आवाज आती है पर न बिल्कुल साफ साफ नहीं आता झंडा, पर हम ऐसे नहीं बोलते झनडा, हम ऐसे नहीं बोलते ना, इसलिए अंक की बिंदी लगती है और ये मिट जाता है। तो क्या बन गया? झंडा। तो घंटा कैसे लिखेंगे? घंटा घर। ठीक है तो उसके क्या पढ़ेंगे? तो कैसे लिखेंगे? अंडा। प ये ठीक है क्योंकि हमें अंग की आवाज किस पे आ रही है? त पे। प तंग ग तो दा पे बिंदी लगी। इसमें किस पे बिंदी लगेगी? अंगूर। ठीक है अच्छा ब पे लगेगी कि द पे लगेगी? आप कहते द पे तो बदंद्र, हम ऐसे बोलते हैं बदंद्र बंद और दर बंद बोलते हैं ना, बंद कर दो के बदन कर दो बंद, तो बंद दर। अच्छा ये तो बंदर है और एक काले काले मुंह वाला क्या होता है? नहीं
अगर अगर इसका मुंह काला हो जाए तो क्या बन जाएगा वो? कैसे लिखेंगे? लंगूर क्या खाता है? हाँ, रेलगाड़ी छुक 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 तो तब चलेगी जब आगे कुछ होगा। कौन खींचता है रेलगाड़ी को? इंजन। तो कैसे लिखेंगे? इंजन। ठीक है, इंजन। ज पे किस पे बिंदी लगेगी? ई जंग नान न पे ई जन न न न न न न न इंजन। तो बिंदी कहाँ आवाज आ रही? इंग छोटी पर इंजन। ठीक है, अच्छा। आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम खाली बिंदी नहीं लगाते, उसमें हम नीचे क्या बनाते हैं? आप देखो ये क्या है, कितने फूल हैं? पांच। पर अब हम पांच, अच्छा ये चार है। अगर हम इसमें एक फूल और मिला दें, अगर एक फूल और आ गया यहाँ, फिर पांच। तो कितने हो गए? पांच। आप पांच हम कैसे लिखेंगे? ये तो इसमें पांच हम खाली बिंदी लगाकर नहीं लिखते, इसमें हम क्या बनाते हैं इसके नीचे? चंद्र। चंद्रमा होता है, कभी चंद्रमा पूरा दिखता है और कभी कभी कैसे दिखता है आपको? वो आधा दिखता है। कभी कभी आपको खाली ऐसे भी तो दिखता है चंद्रमा। तो अब सोचो, इसमें हमने नीचे ये चंद्रमा बना दिया और इसके बीच में लगा दी बिंदी, तो इसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। और चंद्र बिंदु, कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे पांच। किस में लगता है? पांच। और किस में लगेगा? ऊंट। कैसे लिखते हैं हम? चंद्रमुखी तो वो होती जिसका मुंह चंद्र जैसा। ये बताओ क्या है? डांडिया। अब डांडिया हम कैसे लिखेंगे? डांडिया। अब कहाँ लगेगी? कहाँ? डांडिया। डांडिया, डांडिया, डांडिया। ये क्या है? नागिन नहीं। तुम्हें कैसे? अच्छा नहीं, अजगर ऐसे नहीं होता। हाँ, अब ये बताओ, तुम्हें कैसे पता ये नागिन है कि नागिन? लो, ये कहाँ? ये तो मुझे पता ही नहीं था कि अगर ऐसे कुछ होगा तो नागिन हो जाएगी वो। ऐसे नहीं होता बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सांप। क्या ये? सांप। और ये क्या निकल रहा है? अरे नहीं, भाप निकलती। धुआ। कैसे लिखते हैं? अब ये बताओ, चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? सोच के बताओ, आप क्या बोलते हैं इसको? धुआ के धुआ। आप धुआ। हाँ बोल रहे ना हम? हम इसको ऐसे तो नहीं बोले, धूं आ ऐसे बोल रहे? धूं आ नहीं बोलते ना?
क्या बोलते हैं? धुआं। तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी लिखते हैं, उधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी लिखते हैं, तो आपको शब्द पे ध्यान देना चाहिए कि आवाज कहाँ से आ रही है, मात्रा कौन से अक्षर पे सुनाई दे रही है आपको। अगर आपको सुनाई दे रहा है कौआ, तो आप ये नहीं है कि पीछे वाले आ पे आऊ की मात्रा लगा देंगे, सोचेंगे ना। तो सोच के और फिर उसको समझ के पढ़ो और समझ कर लिखो, तब आपकी हिंदी बिल्कुल सही होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हम कुछ लिखते हैं, आप पढ़िए बोर्ड पर। हाँ, क्या हो गया? Hello.
लड़ाई मत करो, हिलमिल कर खेलो एक संग। फिर से बोलिए, लाल गुलाबी नीली पीली, रंग बिरंगी उड़ी पतंग, संजू ने जब छोड़ी डोरी, बड़ी हवा के संग पतंग, शंकर आओ शंभू आओ, हिलमिल कर खेलो एक संग। ठीक है, समझ आया अंग वाली मात्रा? और ये याद हो गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास कौन सा अक्षर बचा है? एक और सिर्फ, अब आखिरी अक्षर बचा है आपका आहा। और हफ्ते में दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 24? एक, 7 दिन होते हैं। कौन सा दिन ऐसा है जिसमें ऊपर बिंदी लगती है? संडे। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। छह नहीं बोलना है आपको, नाम बताना है उसका जिसमें बिंदी लगती है ऊपर। हाँ शाबाश, मंगलवार। किसमें लगती है बिंदी? मंगलवार। और किसी में बिंदी लगती है? और किसी में बिंदी लगती है? अंडी आता है। हाँ आता नहीं, आता है वाला नहीं। संडे तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में। हाँ अच्छा, शनिवार। अच्छा एक नदी का नाम बताओ जिसके नाम में बिंदी लगती है। शाबाश, नदी का नाम क्या है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। एक सब्जी का नाम बताओ जिसमें बिंदी लगती है। हाँ भिंडी। और एक होती लाल लाल सब्जी, ऐसे दिखती है। नहीं, ये लाल लाल होती है, बिल्कुल लाल लाल। गाजर में नहीं होती बिंदी। शाबाश, किसमें लगती बिंदी? ताली बजाओ उसके लिए, चुकंदर। अच्छा अब आपके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बिंदी लगती है? आँख। किसमें लगती है? आँख। और कौन सी वाली बिंदी लगती है? शाबाश, चंद्र बिंदी लगती है आपकी इसमें। क्या है ये? समझ गए? और कुछ है? अब बाकी हम अगले